ओम शांति। आपका प्रश्न है, बाबा को जानने के बाद भी शानदार जीवन क्यों नहीं? जब हमने भगवान को पहचान लिया, भगवान के हम बच्चे बन गए, फिर भी जीवन शानदार क्यों नहीं है? जीवन में खुशी क्यों नहीं है? जो प्रश्न आप पूछ रहे हो, यही प्रश्न बाबा पूछ रहा है। ब्राह्मण जीवन माना खुशियों का जीवन, खुशी नहीं है तो ब्राह्मण जीवन ही नहीं है। ब्राह्मण जीवन में खुशी नहीं तो वे ब्राह्मण जीवन ही नहीं है। कहां कसर है, कहां कमी है, क्यों खुशी नहीं है? क्योंकि एक होता है जानना, दूसरा होता है समझना, तीसरा होता है मानना, फिर चौथा होता है उसका अनुभव करना। जानकारी हमें मिल गई है, इंफॉर्मेशन हमें मिल गई है, हमने इंफॉर्मेशन ले ली कि परमात्मा कौन है, क्या है, कैसा है, क्या करता है, क्या नहीं करता है। हमने जानकारी लेना भी शुरू कर दिया कि रोजाना परमात्मा आकर हमें क्या क्या समझाते हैं, जानकारी लेना भी शुरू कर दिया। परंतु जानकारी को अभी बैठ कर बुद्धि को नहीं समझाया, जो हमने जाना वो हम दूसरों को दे भी रहे हैं, कोर्स भी करा रहे हैं। जैसे पढ़ के टीचर पढ़ा देता है, परंतु उसका अभी तक अपनी बुद्धि को स्वीकार नहीं कराया। बुद्धि को स्वीकार कराने का मतलब हमारी धारणा में आ जाए। पहली ही बात, बाबा ने कहा तुम आत्मा हो, हमने जान लिया मैं आत्मा हूं, मैं अमर हूं। परंतु क्या हम इसके अनुभवी बने हैं? समझ लिया है कि मैं अमर आत्मा हूं? सांप के आने से, बिच्छू के आने से, शेर के आने से, छिपकली के आने से, किसी के भी आने से भय लगता है? यदि लगता है तो अभी अपने को अमर आत्मा नहीं समझाए। खुशी कहां से आएगी? मैं निर्भय बना ही नहीं, मुझे खुशी कहां से आएगी? खुशी नहीं आ सकती। खुशी तो निर्भय में है ना, भय में कहां से खुशी होगी? यदि सारे दिन में किसी भी प्रकार का भय लगता है तो अभी मैंने अपने आप को अमर आत्मा अनुभव नहीं किया है। भाषण करता हूं परंतु मैंने अपने आप को अमर आत्मा अनुभव नहीं किया। सामने देखते हुए मुझे यदि शरीर दिखाई दे रहे हैं, स्त्री पुरुष समझ में आ रहा है, देह का संबंध मेरे सामने दिखाई दे रहा है,
मैंने अभी तक आत्मा का पहला पाठ नहीं जाना है, क्योंकि मुझे देह दिखाई दे रही है। मुझे दिखाई देना चाहिए इन गाड़ियों में बैठी हुई आत्माएं। देह देखने का काम देह भान का, इसका मतलब मैं अभी तक देह अभिमानी हूं। देह अभिमान मेरे जीवन से अभी गया नहीं। आनंद किसके पास है? आत्मा के पास। मैं आत्मा समझ नहीं रहा, आनंद का अनुभव कैसे हो? सुख किसने लेना है? आत्मा ने। मैं अपने को आत्मा समझ नहीं रहा, सुख मुझे कहां से मिले? शांति किसको चाहिए? आत्मा को चाहिए। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, मैं ये अनुभव ही नहीं कर रहा, अशांति रहेगी। अशांति तो रहेगी। बहुत अच्छी तरह समझना है। पहला पाठ, निर्भय नहीं बने। मेरे दिल में किसी भी आत्मा के प्रति जरा सा भी वैर है, मैं निर्वैर नहीं बना। परमात्मा को कहा जाता है निर्भय निर्वैर, क्योंकि उसका किसी से वैर नहीं। जिसके मन में किसी के प्रति वैर भाव है, ईर्ष्या है, बदले की भावना है, कहां से खुशी होगी उसको? क्योंकि उसे अभी पहला पाठ समझ में नहीं आया कि हम अमर आत्मा है। हर आत्मा का रोल एक्यूरेट है। हर आत्मा के जीवन में जो रोल मिला हुआ है वो जरा भी गलती नहीं कर सकता। ड्रामा में मिस्टेक नहीं हो सकती। जब ये बात बुद्धि में आ जाए तो प्रश्न खत्म। प्रश्न खत्म होते हैं तो प्रसन्न चित्त बनते। प्रश्न कब उठेंगे, किसको उठेंगे? जिसको ज्ञान का कंसेप्ट क्लियर नहीं। ज्ञान का कंसेप्ट क्लियर है तो नो क्वेश्चन। बाबा ने आकर अपना ज्ञान सारा दे दिया। हमें समझ में नहीं आया, समझना अच्छी बात है। प्रश्न पूछकर अपने प्रश्न का सही उत्तर लेना अच्छी बात है, परंतु किसी भी बात के होने पर प्रश्न उठाना, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, मेरे को तो पूछा नहीं, कैसे कर दिया, किसने कर दिया, क्यों, क्या, कैसे, किसने, ये प्रश्न खड़ा करके अपनी बुद्धि को डिस्टर्ब करना, क्रोध लाना, हमारे शानदार जीवन से हमें वंचित, खुशी भरे जीवन से हमें वंचित कर देता है। हमें अपने जीवन को शानदार बनाना है तो बाप के डायरेक्शन को बैठकर बुद्धि को स्वीकार कराना है, ऐसे ही करना। एक ही इंजेक्शन दिया बाबा,
एक ही इलाज दिया है बाबा ने कि जो मैंने कहा है उसके अनुभवी बनो, उसको चबाओ, उगारो उसको बैठकर, बार बार अपने आप को समझाओ। जितना ज्ञान का मंथन करेंगे वो आपका होता जाएगा, वो आपका बनता जाएगा। पराया था, परमात्मा ने दिया था, परंतु आपने उसको अपने जीवन में स्वीकार करा दिया तो आपका जीवन बाप समान आनंदमय बनेगा। जब आप बाप समान बनेंगे, जब तक नहीं बनेंगे जीवन में खुशियां नहीं आ सकती। उतनी ही खुशियां आएंगी जितना बनेंगे। वंडरफुल बात है, सबके पास चांस बराबर है, समय बराबर है, अवसर बराबर है, ज्ञान बराबर है, देने वाला एक है। फिर हम क्यों अलबेले बने हुए, क्यों इग्नोर कर रहे हैं? आप अलर्ट हो जाएं, अभी से अपने आप को समझा के तैयार कर लो कि मुझे बाबा की एक एक बात अपने जीवन में लानी। जैसे जैसे वो मेरे जीवन में आती जाएगी मेरे जीवन से दुख दूर होता जाएगा, खुशियां भरती जाएंगी, रोशनी होती जाएगी, अंधेरा निकलता जाएगा। ठीक है, फिर भी कोई प्रश्न रहता है या आपको लगता है कोई सुझाव आपके मन में आ रहा है तो आप अवश्य शेयर करेंगे। ओम शांति।